नमस्ते भारत, गांव से लेकर दुनिया तक सोशल मीडिया पर सच्ची खबरों को दिखाने वाला एकमात्र चैनल WH न्यूज में आपका स्वागत। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे, खबर छुपाते नहीं दिखाते हैं। बस आप हमारे चैनल को सहयोग करें, स्क्रीन पर नंबर दिया है, लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए देखते हैं आज की खास खबर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को ईडी का नोटिस मिलने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नागपुर की ईडी दफ्तर पर सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, अपने नेता को ईडी के नोटिस का विरोध जताया। नागपुर के पालक मंत्री नितिन राउत सीधे ईडी के गेट पर चढ़े व अंदर जाने का प्रयास किया। पुलिस के तगड़े बंदोबस्त ने कार्यकर्ताओं को रोका। कार्यकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया फिर छोड़ दिया। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने ईडी को बीजेपी का तोता बताया। उनका कहना था कि ईडी नरेंद्र मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रही है। दरअसल कई सालों से चल रहे नेशनल हेरॉल्ड मामले में ईडी ने सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया। इससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में रोष है। इसके विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नागपुर के साथ पूरे देश में ईडी के खिलाफ नाराजगी जताई। पालक मंत्री नितिन राउत ने कहा कि हमारे नेता के खिलाफ जो ईडी ने मोदी सरकार के दबाव में नोटिस जारी किया, केंद्रीय जांच एजेंसी बीजेपी सरकार के इशारे पर नाच रही है। उन्होंने कहा कि ईडी और CBI सब बीजेपी के तोते के रूप में काम कर रही है, अब इसके खिलाफ आंदोलन जारी रहेगा। ईडी के माध्यम से नेशनल हेरॉल्ड केस में नोटिस दिया गया है, जबकि विगत 8 साल से जांच में कुछ नहीं पाया गया। आंदोलन में कांग्रेस के सभी विंग ने हिस्सा लिया। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। यहाँ पे ईडी कार्यालय के सामने नागपुर शहर में कांग्रेस पार्टी के तरफ से पूरे विदर्भ के हमारे नेता, पालक मंत्री, चंद्रपुर के पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार साहब, नितिन राउत साहब, विकास ठाकरे जी, सभी नेता, किशोर गजबे साहब, हमारे लोकसभा के नेता, सभी यहाँ पे एकजुट होके उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। जो राहुल गांधी जी के ईडी ने नोटिस दिया और पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो हमारा ऐसा मानना है कि जब जब मोदी डरता है ईडी को आगे करता है। आज देश में जो परिस्थिति चल रही है, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ईडी की नोटिस दी जा रही है और उनको अरेस्ट किया जा रहा है। आज महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र सरकार को भी चलने नहीं दे रहे हैं। ईडी को यहाँ भेज के केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके महाराष्ट्र सरकार को भी तंग किया जा रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो मोदी गवर्नमेंट केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके इस देश की जनता की आवाज़ जो कांग्रेस है उसको दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनको ये पता नहीं कि कांग्रेस का इतिहास बहुत पुराना है। जब ये अंग्रेजों की चापलूसी करते थे तब अंग्रेजों से ना डरने वाली कांग्रेस इनको नहीं डरने वाली है और वो हमेशा संघर्ष करते रहेंगी। जब तक के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान है तब तक के कांग्रेस के कार्यकर्ता संघर्ष करते रहेंगे और इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। राहुल भाऊ, तुमच्या या मंचावर विकास ठाकरे भाऊंनी म्हटलंय की गुटबाजीमुळे कांग्रेस जिवंत आहे, काय सांगाल तुम्ही? विकास भाव ने जो बोला है गुटबाजी बोले तो कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी में लोकतंत्र है। हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने के लिए मौका दिया जाता है और अपनी बात रखता है हर कार्यकर्ता। अब वो कार्यकर्ता अपनी बात जब रखता है तो लोग सोचते हैं कि अलग गुट का है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी पार्टियों में आपको लोकतंत्र नहीं मिलेगा, कार्यकर्ता को बात रखने की आज़ादी नहीं मिलेगी। दूसरी पार्टियाँ एक दो लोग ही चलाते हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस के अंदर हर कार्यकर्ता अपनी बात रखता है। तुम्हाला ईडीचा दबाव काँग्रेसवरती आणणार आहे राहुल गांधीला पकडून? या देशामध्ये 100% हिटलर से सुरू केली आहे नरेंद्र मोदींनी। वास्तविक आता एक खरा प्रश्न आहे की सगळे ईडीच्या कारवाया काँग्रेस आणि विरोधी पक्षाच्या लोकांवर होऊन राहिल्या। भाजपच्या लोक एवढे सगळे दुकाने विकले आहेत का? या नागपूर जिल्ह्यामध्ये भाजपचे अनेक दिग्गज लोक आहेत, याच्या एखाद्यावर कारवाई का झाली नाही? ज्या पद्धतीने जर ईडी जर ही सत्ता वसुली कारवाई करत असेल तर फक्त एका पक्षाच्या विरोधी पक्षाच्या लोकांवर का होतं? भाजपचे जे मंत्री आहेत जे 10 वर्षाच्या अगोदर आंदोलन करत होते, त्यांच्याकडे 10 एकर शेती नव्हती, त्यांच्याकडे
आंदोलन करायला पैसा नव्हता ते आज अरबपती आणि विमानाचे मालक बनले यांची ईडीची चौकशी भाजप का करत नाही हा प्रश्न या ठिकाणी ईडीने राहुल गांधी यांना ताब्यात घेतलेला आहे आणि बोलवलेला आहे चौकशीसाठी काय सांगाल एकूणच ईडी ऑफिस के सामने जो ईडी म्हणजे सक्त वसुली संचालनालय ही सक्त वसुली म्हणजे आर्थिक बाबीशी निगडीत आहे पैशाचा व्यवहार परंतु ज्या प्रकरणामध्ये त्यांना चौकशीसाठी बोलवलं ते प्रकरण अस्तित्वातच नाही असं खोट्या प्रकरणामध्ये नरेंद्र मोदींनी आपल्या अधिकाऱ्यांना अधिकाऱ्यांची संगनमत करून त्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न केला 2014 पासून आम्ही बघतो जेव्हा जेव्हा यांनी सोशल मीडियावरती प्रचार केला यांनी फक्त दोन लोकांना टार्गेट केलेलं आहे एक आमच्या पक्षाध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी आणि एक आमचे राष्ट्रीय नेते राहुलजी गांधी या दोघांना त्यांनी टार्गेट केलेलं आहे आणि सातत्याने टार्गेट करत आहेत कारण त्यांना माहिती आहे की काँग्रेस पक्षाला जर आपल्याला काँग्रेस पक्षावर टीका करायची असेल किंवा काँग्रेस पक्षाला आपल्याला जर हल्ला करायचा असेल तर या दोन व्यक्तीवरती हल्ला केला तर काँग्रेसवर हल्ला केल्यासारखं म्हणून आमचं असं मत आहे की ईडीने जी नोटीस यांना पाठवली आमच्या दोन ज्येष्ठ नेत्यांना आदरणीय नेत्यांना आमचे ते दैवत असल्यासारखे आहेत यांना ईडीची नोटीस पाठवणे म्हणजे काँग्रेसवरती हल्ला करण्यासारखा आहे त्यांनी काँग्रेसवर हल्ला केला त्यांनी सोनियाजीवर हल्ला केला त्यांनी राहुल गांधीवर हल्ला केला हा हल्ला काँग्रेसचा एक कोणताही कार्यकर्ता सहन करणार नाही भविष्यामध्ये याचे परिणाम भाजपाला भोगावे लागतील काय वाटतंय तुम्हाला मोदी हा दबावगट बनवत आहे का ईडीच्या माध्यमातून ईडीच्या माध्यमातून दबावगट बनवतच आहे फक्त मोदी ईडी को आगे करता है ईडी जे आहे बघा ते मुस्लिम समाजावरती दबाव आणतात वेगवेगळ्या माध्यमातून शिवलिंग सापडलं डबकं सापडलं तर मुस्लिम समाजावरती ते दबाव आणतात हे राजकीय लोकांवरती ईडीच्या माध्यमातून दबाव आणतात आणि त्यांचे जे दुसरे जे पंटर आहेत ते सगळे देशामध्ये पसरून अल्पसंख्याक लोक दलित लोक मागासवर्गीय लोक काँग्रेसला समर्थन देणारे लोक काँग्रेसला मतदान करणारे लोक यांच्यावरती वेगवेगळ्या पद्धतीनं दबाव आणत असतात हा सुद्धा दबाव आणण्याचा प्रयत्न आहे पण हा प्रयत्न त्यांचा जास्त वेळ टिकणार नाही ज्याच्यामुळे भाजपा बदनाम होईल आणि नरेंद्र मोदी आधीच बदनाम झाले दोस्तों आपने खबर देखी आपका शुक्रिया तो ये थी आज की खास खबर कल फिर मिलेंगे खास खबर के साथ तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन अवश्य दबाएं तमाम खबरों के लिए www.wsnews.in पर भेंट दें हाँ ज्वाइन बटन पर जाकर चैनल के सदस्य बने और हमें आर्थिक सहयोग करें धन्यवाद